आज हम बनाने वाले हैं कैप्सिकम के रिंग्स पकोड़े। साथ में बनाएंगे टेस्टपूर और चटाकेदार, साथ में खाने के लिए चटनी। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम पकोड़ा के साथ खाने के लिए टेस्टफुल चटनी बनाएंगे। 8 से 10 काटी हुई लाल मिर्च मिक्सिंग जार में डालेंगे। 10 से 12 लहसुन की कली डालेंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से काट के मिक्सिंग जाल में डालेंगे। अदरक को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे, जिससे ये आसानी से मिक्सिंग जाल में पीस जाएगा। अभी हम इसमें आधा चम्मच जितना नमक डालेंगे। साथ में डालेंगे थोड़ी सी बारीक काटा हुआ हरा धनिया। चटनी को आसानी से पीसने के लिए मिक्सिंग जाल में हम 1/4 कप जितना पानी डालेंगे। फिर इसका ढक्कन बंद करके हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, चटनी को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितनी टेस्टफुल और अच्छी चटनी हमारी दिख रही है। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये चटनी स्पेशल कैप्सिकम रिंग्स के जो हम पकौड़े बना रहे हैं उसके साथ खाने के लिए है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, बहुत ही टेस्टफुल और चटाकेदार चटनी है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अभी हम पकौड़ा बनाने के लिए बेटर बनाएंगे। बोल में 1 कप जितना बेसन लेंगे। बेसन में 1 टेबलस्पून हींग डालेंगे, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जितना स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सारे मसाले को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डालते जाएंगे और बेसन को घोलते जाएंगे। पानी हम एक साथ में नहीं डालेंगे, एक साथ में पानी डालने से बेसन की गुठलियाँ बन जाती है, जो बाद में इतना सॉफ्ट बेटर नहीं बनेगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट बटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसमें बारीक काटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये हरा धनिया को हमने एकदम बारीक काटा है, जो हम बेटर में डाला है। हरा धनिया को हम बेटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बेटर हमारा बनकर तैयार हो गया। इसमें ज़्यादा कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने रिंग्स बनाने के लिए 2 कैप्सिकम लिए हैं। बस हम 2 ही कैप्सिकम के लिए रिंग बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ये 2 लोगों को आराम से हो जाएगी। अभी हम इसे काट लेंगे और फिर पतली पतली इस तरह से रिंग काटेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें आधा इंच जितनी रिंग काटनी है। ये देखिए 1 कैप्सिकम में से आराम से 10 से 12 रिंग बन जाएगी। ये देखिए इसमें से 8 रिंग्स बनी है। कैप्सिकम को काटने के बाद इसके अंदर जो ये बीज वाला भाग है, इसे हम निकाल के अलग कर लेंगे, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये कैप्सिकम का बाहर वाला भाग है, उसी के हम पकौड़े बनाएंगे। ये देखिए 1 कैप्सिकम को हमने काट कर तैयार कर लिया है। दूसरे कैप्सिकम की भी हम इस तरह से रिंग्स काट के तैयार कर लेंगे और बीज वाला भाग निकाल देंगे। ये देखिए हमने सारे कैप्सिकम को काट के रिंग तैयार कर लिया। अब जो हमने बेटर बनाया था इसमें हम डालेंगे, और बेटर से अच्छी तरह से हमें ये रिंग्स को कोटिंग करना है। तेल को हमने गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है। बस एक एक रिंग्स बेटर में कोट करते लेते जाएंगे और गरम तेल में डालते जाएंगे। तेल को हमने मीडियम आँच पर रखा है। पहले हमने तेल को फुल आँच पर गरम कर लिया था, अभी मीडियम आँच कर दिया है। बस अब ही हमें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी और इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे पकाना है। इसे हम पलटते रहेंगे और पकाते रहेंगे। ये देखिए इसमें हल्के हल्के सा कलर चेंज आ रहा है। ये ऊपर से इतने क्रिस्पी हो गए और अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये खाने में आपको इतना टेस्टी लगने वाले हैं कि इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करोगे तो जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आएगा तब आप इसे ही बना के उसे खिलाने वाले हो, ये मुझे पक्का मालूम है। ये देखिए ये कैप्सिकम को हमने फ्राई कर लिया, अभी हम इसे निकाल लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद बस हमें इसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेना है, और बचे हुए सारे रिंग्स को हम इसी तरह से कैप्सिकम रिंग्स बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे ये कैप्सिकम रिंग्स के पकौड़े। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और साथ में ये चटनी बनाना ना भूलें। ये कैप्सिकम रिंग्स को आप ये चटनी के साथ एक बार ज़रूर खाएं, जिससे आपका पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, ऐसे बनने वाले हैं ये।